नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आप देख रहे हैं भोजपुरी की ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। पहली खबर है दिनेश लाल यादव ने रवा जी की तरफ से जिनकी सुपरहिट फिल्म जानलेवा का इस फिल्म को ऑल इंडिया में 13 सिनेमा घर मिला है। और एक बार जरूर इस फिल्म को अपने नजदीकी सिनेमा घर में देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त और शानदार फिल्म बनाई गई है। अगली खबर है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से पवन सिंह का नया एल्बम धमाका आप सभी के बीच बहुत जल्द होने वाला है। यानी पवन सिंह के नए एल्बम गाने का पोस्टर आप सभी के बीच 5 से 6 दिन के अंदर में आ सकता है। अगली खबर है भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी की तरफ से खेसारी लाल यादव जी के भी नए एल्बम गाने का पोस्टर आप सभी के बीच आने वाला है। हो सकता है खेसारी लाल यादव जी के नए एल्बम गाने का आज शाम तक आप सभी के बीच पोस्टर भी आ सकता है, और आज नहीं तो कल आप सभी के बीच कंफर्म आ जाएगा। और पोस्टर के माध्यम से आप सभी को गाने का नाम, रिलीज डेट, टाइम सब कुछ बता दिया जाएगा। अगली खबर है प्रदीप पांडे चिंटू जी की तरफ से जिनकी सुपरहिट फिल्म हिंदुस्तानी, इस फिल्म को पूरा ऑल इंडिया में 17 सिनेमाघर मिला है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। हाँ, तो एक बार जरूर इस फिल्म को अपने नजदीकी सिनेमाघर में देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त और शानदार एक्शन पैक मूवी बनाई गई है। अगली खबर है भोजपुरी के मेगा सुपरस्टार रवि किशन जी की तरफ से जिनकी सुपरहिट फिल्म महादेव का गोरखपुर, इस फिल्म को 29 तारीख से यानी परसों दिन से फिल्म को रिलीज किया जाएगा सिनेमाघरों में। फिल्म को अपने नजदीकी सिनेमाघर में देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त और तगड़ी फिल्म बनाई गई है। अगली खबर है भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी की तरफ से जिनकी सुपरहिट फिल्म प्यार के बंधन, इस फिल्म को बहुत जल्द रैपचिक टीवी चैनल पे चलाया जाएगा। यानी अगले महीने इस फिल्म को रैपचिक टीवी चैनल पे चलाया जाएगा। अगली खबर है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से बहुत जल्द पवन सिंह का टिकट फाइनल होने वाला है, यानी टिकट को लेकर अपडेट आने वाला है आप सभी के बीच, यानी 1 अप्रैल तक आप सभी को पूरा कन्फर्म पता चल जाएगा। और दोस्तों, आप लोग की आज की खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।